बीजेपी और जेजेपी के सियासी सरगर्मियों के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा में बीजेपी ने जेजेपी को बड़ा झटका देते हुए गठबंधन से बाहर आने का फैसला ले लिया। इस बीच जेजेपी ने अपने विधायक की बैठक बुलाई है, वहीं भाजपा ने अपने विधायकों के साथ चंडीगढ़ में बैठक कर रही है। दरअसल राज्य में बीजेपी की सहयोगी जेजेपी लोकसभा की एक सीट की मांग कर रही थी, लेकिन कहा जा रहा था कि बीजेपी एक सीट भी जेजेपी को नहीं देना चाहती, इसीलिए राज्य में ये कवायद शुरू हुई। इस बीच जेजेपी ने दिल्ली में बैठक बुलाई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के विधायकों की बैठक होगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव समेत राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा की संभावना है। हरियाणा विधानसभा में अभी भाजपा के 41, कांग्रेस के 30, जेजेपी के 10, इंडियन नेशनल लोकदल के 1, हरियाणा लोकहित पार्टी के 1 और 7 निर्दलीय विधायक हैं। आइए नंबर गेम समझते हैं। भाजपा के पास अभी 41 विधायक हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी के 1 विधायक गोपाल कांडा ने भाजपा को अपना समर्थन दिया है, वहीं निर्दलीय 6 विधायकों का भी समर्थन भाजपा के पास है। हरियाणा में बहुत का आंकड़ा 46 है, वहीं भाजपा के पास जेजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद 48 विधायकों का समर्थन है। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस के पास हरियाणा में 30 विधायक हैं। जेजेपी के सरकार से बाहर निकलने के बाद 10 विधायकों का समर्थन विपक्ष को ही जेजेपी के सरकार से बाहर निकलने के बाद 10 विधायकों का समर्थन विपक्ष को है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला और 1 निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू समर्थक हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अब हरियाणा की सीएम पद की रेस में अनिल विज और कंवरपाल गुर्जर का नाम चल रहा है।